बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन शोरूम का उद्घाटन शुक्रवार को पचम्बा के गौशाला मोहल्ले में विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक निर्भय आबादी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, चिकित्सक डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश व कांग्रेसी नेता नवीन आनंद उपस्थित हुए। अतिथियों के हाथों शोरूम का उद्घाटन कराया गया और इलेक्ट्रिक बाइक की खूबियों का निरीक्षण किया गया। मौके पर भाजपा नेता सुभाष सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संजय साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बताया गया कि भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब अपने शहर में इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ गए हैं, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध हैं। उद्घाटन मौके पर शोरूम के संचालक मुकेश साहू को उपस्थित लोगों ने शुभकामनाएं दी। सर एक देखिए सर, थैंक यू। ये सामने ये सब देखिए आप। आज आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं गिरिडीह वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मैं एक नया प्रतिष्ठान भारत ऑटो जो जॉय की बाइक के नाम से मैं लाया हूं, जो आज हमारे मोंगिया के डायरेक्टर श्री गुलवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्री निर्भय सावादी जी, गिरिडीह के अधिवक्ता श्री प्रकाश सहाय जी और गिरिडीह के सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा आज हमारे शोरूम का उद्घाटन किया गया। मैं सभी को अपने ओर से बधाई देता हूं। और जो ये बाइक है, ये गिरिडीह में एक नया लुक लेके आई है। बाइक और स्कूटी हमारे पास दोनों हैं। स्कूटी हमारे पास 3 मॉडल में है और बाइक अभी हमारे पास 1 मॉडल में है, जो कि 70 किलोमीटर चलती है और लिथियम एंड बैटरी के साथ है। मेरा नाम सुनील है। हमारा जॉय ई बाइक जो है आपका ट्यूबलेस टायर के साथ आता है, आपका रिवर्स मोड के साथ आता है, अलॉय व्हील है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, फ्लूइड ब्रेकिंग सिस्टम है, रिवर्स मोड में भी जाएगा, ड्राइव मोड में भी जाएगा, आप मोबाइल चार्ज भी करते हैं सकते हैं, और एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो 10 रुपये आपका मात्र खर्चा होगा, दैट इज़ लाइक 1 यूनिट, और वो आपका गोडाउन करेगा 60 से 70 किलोमीटर तक, हाइस्ट 70 किलोमीटर तक जाएगा, और विद द टॉप स्पीड ऑफ 50, और आपका हमारा जो बैटरी है दैट इज़ डिटैचेबल इन द सेंस, मान लीजिए आप 10 माले पे रहते हैं तो पॉसिबल नहीं 10 माला ये गाड़ी जाएगा, आप बैटरी खोल के यू कैन टेक दिया हमको 10 तला और आप अपना चार्ज कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी के नज़र से भी ये है कि अगर बैटरी अगर नहीं है ये वो यूज़लेस है। और ये हमारा सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है, एंटी थेफ्ट अलार्म भी है, जो रिमोट हमारा है वो एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ आता है, ठीक है, तो उससे आपका गाड़ी भी स्टार्ट हो जाए। नॉर्मल 4 व्हीलर्स हम लोग जो हाई एंड वाला जो गाड़ी यूज़ करते हैं वो गाड़ी का फीचर होता है, तो आप गाड़ी रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी लॉक कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी लॉक करेंगे 10 सेकंड के बाद गाड़ी लॉक हो जाएगा, ना पीछे जाएगा ना आगे आए। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है कि गिरिडीह में भी अब ऐसे शोरूम खुलने लगे हैं, लगता हमारा गिरिडीह भी तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो कि हम लोग इंतज़ार करते थे, आज बाज़ार में कहीं पर भी आती हैं, साथ साथ गिरिडीह में उपलब्ध होने लगती हैं, और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ भारत ई ऑटो जॉय ई स्कूटर जो इन्होंने लाया है अभी स्कूटी, ये चूँकि पॉल्यूशन फ्री है और सस्ता भी पड़ता है, और आप ये समझें कि एक सुविधाजनक और अच्छी सवारी सभी को पसंद है, और उससे नई टेक्नोलॉजी की जो बात है वो इसमें जो लाई गई है, नई टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि आम आदमी की पसंद है कि आज नई टेक्नोलॉजी के साथ, ईंधन बचत के साथ, कोई इसी तरह के पॉल्यूशन से बचत के साथ आप आगे बढ़ें और नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही पसंद होने वाली बाइक है और लोग खूब इसे पसंद करेंगे, ये स्कूटी बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है,
आज हमारे मित्र मुकेश साहू जी के भारत ई स्कूटी का शुभारंभ किया गया है। ये इस तरह की वहीकिल है जिसके लिए हम और हमारी सरकार दिन रात इस पर मेहनत कर रही है। ये पेट्रोलियम पदार्थ की जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है और पेट्रोलियम पदार्थ के वाहनों में प्रयोग से जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, उन चीज़ों से निजात देने के लिए ये हमारा जो है, चाहे वो स्कूटर के रूप में, स्कूटी के रूप में हो या कार के रूप में हो, अभी भारतीय बाजार में ये बहुत जोर शोर से इसको लॉन्च किया जा रहा है। हम आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से एक बार आकर के इस स्कूटी को देखने का काम करें। आप जब देखेंगे और इसकी खूबियों को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको क्रय करने का सोचेंगे। बहुत बहुत